साथियों को नमो बुद्धाय, जय भीम। साथियों, ये हमारी बहन जी हैं, जो हमारी बहन जी है पारक का जो है सौंदर्यकरण देखती है, इनकी जिम्मेदारी है। ये हमारे मुरादनगर का जो पारक है उसकी बहुत अच्छी सेवा करती हैं ये। और ये हमारी जो मूर्ति है, ये सब देख ही रहे हैं आप, परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर को नलार दुलाकर यहाँ बहुत अच्छी तरीके से मूर्ति का जो मूर्ति है उस मूर्ति का इस तरीके से सौंदर्यकरण रखा जाता है। बहुत सारे लोग ऐसे हैं देश के अंदर कि जहाँ बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर की मूर्ति लगा ली, जंगल में खड़ी कर दी, और साल में एक दिन वो लोग जाते हैं बाबा साहब को देखने कि बाबा साहब तेरा मिशन अधूरा और हम सब मिलकर करेंगे पूरा। बहन जी इधर आओ, क्या नाम है आपका? मेरा नाम बिंदु देवी है। है जी, इधर देखो जरा। बिंदु है मेरा नाम। बिंदु? हाँ, बिंदु है। अब ये बताइए, आज बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर उनको आप ये जो पार्क है इसका सौंदर्य इधर देखो करती हैं, तो लोग आपकी मदद करते हैं, कोई दिक्कत तो नहीं है? नहीं, कोई दिक्कत नहीं है। मुझे नगर पालिका पैसे देती है, नगर पालिका ऐसे लगाई, बाबा साहब के समाज में काम करती हूँ। और बाबा साहब मुझे कमेटी वाले बहुत सहयोग देते हैं जी। ये लोगों का भी मान सम्मान 14 अप्रैल पर करते हैं लोग। हाँ, यहाँ मुझे कोई चीज़ की कमी नहीं है, मुझे बहुत खुशी रहती हूँ बाबा साहब का सेवा करके। चलो, अच्छी बात है। और बाबा साहब का आज जो ये खास दिन है, इसलिए क्योंकि मैं इधर से निकल रहा था तो मैं देख रहा था फेसबुक पर लाइव व्हाट्सएप पे कितने लोग हैं हमारे समाज के जागरूक, जो इस मंत्र को जानते हैं कि शिक्षित बनो, संगठित रहो, संघर्ष करो। ये हमारी बहन जी जो हैं, ये हमारे मुरादनगर पार्क के जो है केयर करती हैं, और इसका हरा भरा पार्क जो है वो इसी की देन है। और हम अपनी तरफ से खासकर सभी उन चेयरमैनों का स्वागत करते हैं जिन्होंने यहाँ केयर टेयर रखा हुआ है, वर्तमान में हो या इससे पहले चेयरमैन हो, उन सभी को हम कोटि कोटि धन्यवाद करते हैं। देश का कोई भी व्यक्ति कहीं से भी आए, बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर के इस पार्क पर रुककर चले, कुछ अर्पित कर चले, और इन बहन जी से भी मिल सकता है, कोई दिक्कत नहीं है किसी को भी। तो आज मैं बाबा साहब को पुष्प अर्पित करने आया हूँ, और मैं खासकर इन बहन जी से ही पुष्प अर्पित कराऊंगा जो इसका इतना अच्छा सौंदर्यकरण करती हैं, साफ सफाई रहती है। कभी भी आप आइए, बैठिए, किसी की कोई दिक्कत नहीं होगी। बाबा साहब का ये जो संदेश है, ये नला दुला कर, क्योंकि यहाँ से बहुत बड़े बड़े नेता पैदा हो चुके हैं जो आजकल दिखाई भी नहीं देते हैं। एक टाइम था वो हर संडे को यहाँ दिखते थे, जब उनको कद मिल गए तो वो बहुत बड़े विद्वान हो गए। तो बहन जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद है, और बाबा साहब जो केयर है उसके लिए हम आपका कोटि कोटि धन्यवाद करते हैं। तो साथियों, मैं बहन जी से पुष्प अर्पित कराता हूँ, और आप सभी को बताता हूँ कि आज के दिन बाबा साहब ने कहा था शिक्षित बनो, संगठित रहो, संघर्ष करो। तो आप सब लोग शिक्षित भी हुए, संगठित भी हुए, लेकिन संघर्ष नहीं कर पाए। तो अभी एक सेकंड जी, जी जी बहन जी ने हमारे ने बाबा साहब को पुष्प अर्पित करे हैं, और मैं इनका कोटि कोटि धन्यवाद करता हूँ, क्योंकि स्लिप बनाने के कारण मैं अपनी फोटो नहीं दिखा सकता। तो आप सभी को हमारी तरफ से बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर की जो मंत्र है, शिक्षित बनो, संगठित रहो, उसके लिए आप सब लोगों को कोटि कोटि धन्यवाद। नमो बुद्धाय, जय भीम। आ जाओ।